अनिका तुम माँ बनने वाली हो और प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है डॉक्टर। डॉक्टर के शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना तो किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा मिस्टर गौतम भी थे, जो गुस्से से तिल मिला रहे थे। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जानुम बना दी अनिका। तुम्हारे पति को इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? मैं नहीं जानती पापा ये सब कैसे हुआ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था पापा, प्लीज मेरा यकीन करें। अगले दिन मिस्टर गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे के पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गए थे कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं नहीं गई थी। इनको इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। तभी मिस्टर गौतम ने अनिका के पति कुणाल को फोन पर कहा, कुणाल बेटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या अनिका यूएस से 5 महीने बाद आ जाए? वो मेरे कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ अनिका अभी इंडिया में मेरे पास ही रहे। डैड, लेकिन कल सुबह की फ्लाइट है हमारी। पर चलिए ठीक है, 5 मंथ्स बाद आकर मैं खुद अनिका को ले जाऊंगा अपने साथ। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। तभी अचानक उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। अनिका ने जैसे ही इस लड़के को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिका ने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। कुणाल, तुम आखिर अब कैसे छुपाएगी अनिका अपनी प्रेगनेंसी का राज अपने पति कुणाल से? और कुणाल तो 5 महीने बाद आने वाला था, तो फिर वो अचानक 1 महीने पहले कैसे इंडिया आ गया? कौन है इस बच्चे का बाप? क्या ये सब जानने के बाद भी कुणाल माफ कर देगा अनिका को? यहाँ बस इतना ही। आगे जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।